तो वहीं दतिया में मां पीताम्बरा माता जयंती पर भव्य समारोह वसुंधरा राजे एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रथ को खींचेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, करीब एक दर्जन मंत्री और 3 सांसदों के आने का कार्यक्रम है। हजारों लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां महाराज की चरण पादुकाओं को भी विराजमान करवाया जाएगा। रेशमी रस्सी से हजारों रुपए की लागत से केरल में निर्मित कराई गई है ये रस्सी, जिसमें शाम 5 बजे दतिया राजगढ़ चौराहे तिगलिया बिहारी मंदिर बम बम महादेव चौराहे होते हुए दतिया स्टेडियम तक ये यात्रा निकाली जाएगी। देखिए एक भव्य यात्रा, और आपको साथ ही जानकारी देते चले इस यात्रा की भव्यता के बारे में। तो दतिया में मां पीताम्बरा माता जयंती पर यह भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसे वसुंधरा राजे एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रथ को खींचेंगे। अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता ऐश्वर्य इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए दतिया में मां पीताम्बरा माता की जयंती पर भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है, क्या इस समारोह की जो रूपरेखा है वो रहेगी? ऐश्वर्य, देखिए जयंती पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस ट्रस्ट की अध्यक्ष है और ये लंबे समय से एक बड़ी आस्था का केंद्र है। वसुंधरा राजे और उनके परिवार के लिए तो आस्था का केंद्र है ही, और देश के लाखों लोगों के लिए माँ बगुलामुखी जो है, जिन्हें पीताम्बरा माँ कहा जाता है, उनके प्रति गहरी आस्था है, और इसी गहरी आस्था की वजह से हर वर्ष वहां पर एक कार्यक्रम होता है। इस बार भव्य कार्यक्रम होगा। कहा जाता है कि माँ बगुलामुखी जो है, उनके दिन को आज के दिन के रूप में माना जाता है। आज उनकी खास पूजा होती है, और इसी पूजा के तहत यहाँ पर खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे, और शिवराज सिंह चौहान के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मंत्रिमंडल के बहुत सारे सदस्य जो है, मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा कई अधिकारियों की भी मौजूदगी रहेगी, और हजारों की संख्या में आम लोग या श्रद्धालु जो है वो मौजूद रहेंगे। यहाँ पर एक खास तैयारी की गई है, एक रथ बनाया जाएगा। रथ को रेशम की डोरी से, रेशम की रस्सी से खींचा जाएगा। रेशम की रस्सी जो है वो केरला में तैयार करवाई गई है। रथ जो है वो भी अष्टधातु से स्पेशल तैयार करवाया गया है। एक प्रतिमा तैयार करवाई गई है। तो यहाँ पर दतिया में जिला कलेक्टर ने अवकाश भी घोषित किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक बड़ा स्थल है। हालांकि माँ बगुलामुखी के 2 बड़े स्थल हैं, दोनों ही मध्य प्रदेश में है। नलखेड़ा में बगुलामुखी का मंदिर है, तो दूसरा यहाँ पर भी है। यहाँ की इसके प्रति जो आस्था है वो कई लीडर्स की रही है। यहाँ पर भले अमित शाह हो या फिर इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी हो, बहुत सारे लीडर्स जो है वो यहाँ आते रहे हैं। ऐसा नहीं की बीजेपी के ही आते हो, कांग्रेस के लीडर्स भी आते रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।